हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक। स्वागत है आपका अपने चैनल B1 ऑडियो पुणे में। दोस्तों, हम आज आपके लिए कुछ अलग लाए हैं। तो 21 इंच का सबवूफर, जो पिछले वीडियो में आपने मेरा वीडियो देखा था तो उसमें 5.5 और 6 इंच वाइस कॉइल का फ्रंट लोडेड कैबिनेट था, जिसमें हम फ्रंट से स्पीकर फिट करते थे। काफ़ी सारे लोगों ने वीडियो देखा और लोगों ने कहा कि मुझे अंदर का वीडियो दिखाई। फिलहाल वो तो कैबिनेट अभी अवेलेबल नहीं है। तो मेरे जो दूसरे पर्सनल यूज़ के लिए जो मेरे 3 जोड़ी कैबिनेट है अलग अलग मॉडल के हैं, एक टर्बाइन है, एक दूसरा है LF9 और तीसरा है फ्रंट लोडेड नहीं है, हॉर्न लोडेड है, जो पीछे से बैक से फिटिंग होता है, जिसमें हम 6 इंची वाई स्क्वायर का BNC SW152 ये स्पीकर लगाकर हम जो बजाते हैं, वो स्पीकर के कैबिनेट मैं आपको खोलकर दिखाऊंगा। अंदर से पूरा इसका डिज़ाइन बताऊंगा, साइज भी हो सकता है तो बताऊंगा, क्योंकि लॉकडाउन होने की वजह से पूरा अपना गोडाउन बंद है, कारखाने बंद है, सब कुछ बंद है। ये एक वीडियो निकालने के लिए मैंने मतलब दुकान घर से काफ़ी दूर, मतलब बहुत रिस्क लेकर, ऐसे तो ज़्यादा दूर नहीं है मेरा घर, फिर भी आकर मैंने ये वीडियो निकाला हूँ गोडाउन में। तो अपने लेबर रहने के लिए भी यही गोडाउन में है, तो उनका खाना पीना आने के देने के लिए आना पड़ता ही है मुझे ऐसे। तो ऐसे मैंने एक वीडियो निकाला है आपके लिए, तो ये मैं आपको कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की। ये मैंने आपको पूरा खोल कर, फ्रंट से बैक से खोल कर, इसमें कैसे स्पीकर फिट होता है। अगर कोई कैबिनेट बनाने वाला बंदा होगा तो उसको तुरंत आइडिया आ जाएगा ये कैसे डिज़ाइन है। और अगर आपको लगता है कि ये कैबिनेट आपको बनाना है तो मुझे व्हाट्सअप करिए, व्हाट्सअप नंबर मेरे दोस्तों के पास होगा। कृपया करके 9 बजे के पहले फ़ोन करिए, 9 बजे के बाद। कुछ लोग रात में 12, 12:30, 1 बजे भी फ़ोन करके पूछते हैं कि भाई इसका ये बताओ, फोटो भेजो, ये भेजो। प्लीज़ 9 बजे के अंदर मुझे कॉल करना, ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे तक भी करना, कोई बात नहीं, अपने भाई लोग हैं आप। तो दोस्तों चलिए वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले, मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। और दोस्तों, इसके बाद जो हमारे आने वाले वीडियो हैं, मैं आपको प्लाज्मा दिखाऊंगा। जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म होता है, प्लाज्मा जो 21 इंच और 18 इंच के 4 स्पीकर बैठेंगे एक कैबिनेट में, वो कैबिनेट रेडी हो चुके हैं अपने, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। मगर अगर इस वीडियो में दिखाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा, मज़ा नहीं आएगा। इसलिए अगले वीडियो में आपको बहुत सारे जो अलग अलग मॉडल है इंटरेस्टिंग आपको देखने मिलेगा। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए और चलिए वीडियो देखते हैं। वीडियो को एंजॉय करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। देखिए दोस्तों, ये है प्लाज्मा। मेरे कई वीडियो में देश के बहुत से लोगों ने कमेंट किए थे कि प्लाज्मा दिखाओ, महाराष्ट्र में चलता है ये। 21 इंच के 4 स्पीकर बैठेंगे इसमें। ये दोस्तों स्ट्रक्चर, इसका कैबिनेट स्ट्रक्चर बहुत ही शाइनिंग है। इसमें 21 इंच के 21 इंच के 4 बैठेंगे ये। इसका वीडियो मैं अगले वीडियो में दिखाऊँगा इसका पूरा रिव्यू। तो फिलहाल आज हम देखने जा रहे हैं अपने 21 इंच। ये रहा दोस्तों सैनिटाइज़र, अब इन दिनों में इसी का सहारा है। और इसके बाद दोस्तों ये रहा अपना, ये जो दिख रहा है आपको ये वाला, ये 4 मिड और 8 है इसका मेरा टॉप है, 6.5 फीट का टॉप है ये, बड़ा कैबिनेट है ये। और इसके बाद आपको दिख रहा हूँ, इसके भी वीडियो में आपको अगले बार दिखाऊंगा, ये है 4HF। ये देखिए, इसका भी एक्सेसरीज लगना बाकी है, 4HF और 2 मिड वाला, ये कैबिनेट भी 4HF 2 मिड एक्सेसरीज लगना बाकी है। ये गुजरात के मेरे भाई है, उनका ही गुजरात जाएगा ये जामनगर। ये एक हुबड़ी कर्नाटक में उनका है, वहाँ जाएगा। और दोस्तों ये रहा, ये जो आप कैबिनेट देख रहे हैं, ये कैबिनेट हॉर्न लोडेड 21 इंची डबल बेस है। इसके अंदर 6 इंची वाई स्क्वायर के 2 स्पीकर लगेंगे। मेरे पर्सनल यूज़ के कैबिनेट है ये, आज कम से कम 3 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ। 1, 2, 3 ऐसे 3 जोड़ी कैबिनेट है मेरे, आपको अभी तीनों के भी दिखाने वाला हूँ, तीनों भी। उसमें से एक जोड़ी मैं आज आपको खोल कर दिखाने वाला हूँ कि कौन सा स्पीकर लगेगा, अंदर क्या लगेगा, सब कुछ जानकारी मैं आपको दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट है कैबिनेट ये वाला। दोस्तों ये आपको देखने में, देखिए फ़र्क दिख रहा होगा, ये कैबिनेट जो है ये छोटा है और ये बड़ा है। ये 4 फीट है और ये 52 इंच है, 52 इंच, वो थोड़ा बड़ा है कैबिनेट। और ये अपने नॉर्मल LF9 जो हॉर्न लोड़े लगते हैं, 5 इंच वाई स्क्वायर फिट होता है इसमें। ये देखिए, मैं ये भी आपको अगली बार खोल कर दिखाऊंगा। दोस्तों कोरोना की वजह से फिलहाल तो शॉप बंद है, गोडाउन बंद है। मैं ये वीडियो आपको सिर्फ मेरे जो पर्सनल यूज़ के कैबिनेट है, उस कैबिनेट के वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ खोल कर, कि अंदर कैसे होगा क्या होगा। तो ऐसे मतलब ये जो छोटे छोटे ऐसे जो मतलब मानकर चलिए, देखिए कहीं कहीं कैबिनेट ये हुआ है, कम से कम आज 2.5-3 साल से गणपति में, इसको 2 साल कंप्लीट, तीसरा साल रनिंग है, यूज़ कर रहा हूँ मैं।
तो आप ये मत समझिए कि ऐसे कुछ हुआ रहेगा तो कैबिनेट में मतलब पेंट में या ऐसे कुछ है, ये यूज़ किए हुए मेरे पर्सनल कैबिनेट है। आपको जानकारी के लिए मैं ये खोल कर दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये अपना बीटाउन का लोगो B1 का, ये देखिए RCF की ग्रिल लगाया हो इसमें दोस्तों। ये तो आज मैं आपको ये नहीं और वो भी नहीं बल्कि ये खोल कर दिखाने वाला हूँ। आज हॉर्न लोडेड है ये भी बिल्कुल। चलिए लीजिए नीचे। तो ये है विशाल भाई, चलो ले लो नीचे इसका। तो दोस्तों पहले अभी हम ये जो है इसका फ्रंट खोल कर आपको दिखाता हूँ, फ्रंट साइड कैबिनेट का खोलना भाई। इसका ग्रिल खोल कर आपको फ्रंट दिखाता हूँ, फिर जो स्पीकर लगेगा उसका हॉर्न आपको मैं दिखाता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों खोलने के बाद। तो दोस्तों आज खोल कर हो गया कैबिनेट। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, आने वाले वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे मॉडल हैं जो आपने देखे नहीं होंगे। और मेरे कई सारे दोस्त अगर एक्सपो में आए होंगे दिल्ली के, तो ये आपको कैबिनेट देखने मिला होगा, वहाँ दिल्ली एक्सपो में भी लगाया था मैंने ये कैबिनेट। देखिए खोलने के बाद दोस्तों ये ऐसे कैबिनेट है, ये रहा दोस्तों ये फ्रंट साइड कैबिनेट का। यहाँ आपको स्पीकर लगेगा, ये जो साइड दिख रहा है आपको स्पीकर लगेगा, अंदर फोम लगा हुआ है ये देखिए। ये इसका ये पास साइड है, ये फ्रंट साइड है। और कैबिनेट देखो दोस्तों, वो जो आपको स्टाइगर दिख रहा है एक मिनट, वहाँ से पीछे से बैक लोडेड होगा। तो दोस्तों अभी देखते हैं पीछे से कैसे होगा ये। देखिए दोस्तों इसको जंबो हैंडल मिलेगा, ये वाले बड़े हैंडल हैं, ये आपको हम हर वीडियो में देखते रहेंगे। ये अपने फाइबर के प्लेट होते हैं ताकि इस साइड में कुछ ना हो कैबिनेट में। तो चलिए इसको सुलाते हैं, अभी देखते हैं स्पीकर कहाँ से लोड होता है, कौन सा स्पीकर लोड होता है अंदर, इसकी पूरी जानकारी देता हूँ मैं अभी आपको। ये देखिए ये साइड व्यू है दोस्तों, और ये है ना स्पीकर लोड होने का साइड, यहाँ और यहाँ ये स्पीकर प्लेट दिया गया है कनेक्टर के लिए। तो चलिए खोल कर देखते हैं कैबिनेट। ये रहा ठीक है, दोस्तों आपने इसमें ज़्यादातर 6 इंची वाइज कॉल के स्पीकर चलते हैं, हॉर्न लोडेड ही ये कैबिनेट। आपको एक बार हमने अगर कोई कैबिनेट ये दे दिया तो इसमें आपको जाली लगा कर देंगे, तो जाली खोलने की ज़रूरत नहीं आपको, वो परमानेंट फिक्स होगा। आपका कोई लोडिंग अनलोडिंग या कोई भी काम होगा मेंटेनेंस का तो आप इसमें कर सकते हैं पीछे से। आपको सिर्फ बैक प्लेट खोलना है अपना, कि स्पीकर निकाल कर जो कुछ आपको उसमें काम, ऐसे तो कोई खोलने की ज़रूरत पड़ती नहीं, 2-3 साल तो स्पीकर को कुछ होता नहीं क्योंकि इसका डिज़ाइन इतना सक्सेसफुली डिज़ाइन है। ये देखिए इस साइड में आपको देखने मिलेगा, ये थोड़ा काफ़ी गंदा हो रखा है इस साइड में मट्टी में। ये देखिए ये लेफ्ट लाइन दोस्तों, इसका भी मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा। ये 5 इंच वाई स्क्वायर के स्पीकर के लिए है, जो काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड है जो 5 इंच वाई स्क्वायर के स्पीकर चलाते हैं 21 इंच में, 1601 हो गया, ये ऐसे काफ़ी सारे स्पीकर एम्पलीफायर हैं जिसके ऊपर। और ये रहा अपना एलन की नट जो इसमें फिट होता है बैक प्लेट में। आठ एमएम का है ये दोस्तों, देखिए अंदर से स्टाइगर फिटिंग किया हुआ है इसमें। जी साइड से इसका डीप भी दोस्तों काफ़ी डीप है इसका, मैं आपको डीप का भी माप साइज अभी दिखाता हूँ मैं आपको, सारे चारों तरफ से साइज इसका दिखाऊंगा मैं आपको। अगर आप कोई कैबिनेट बनाने वाले होंगे तो भी व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे, मैं आपको इसका पूरा साइज बताऊंगा कैसे करते हैं। ये रहा दोस्तों ये RCF की ग्रिल है, ये कंपनी का डिज़ाइन दिया गया है दोस्तों। तो अभी आपको खोल कर दिखाता हूँ मैं दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करिए, स्किप करने से क्या होगा अगर कोई पॉइंट रह गया आपको देखने नहीं मिलेगा। ये रहा दोस्तों बैक प्लेट में फोम लगाया हुआ है,
ये फोम किस लिए लगाते हैं, ऐसे मेरे एक व्यूज कमेंट आया था मुझे एक कि फोम किस लिए लगाते हैं, तो ये जानकारी मैं आपको दूंगा, अभी नहीं दूंगा क्योंकि अभी देने बैठेंगे तो पूरा मतलब टाइम निकल जाएगा। ये देखिए यहाँ भी एयर लीकेज ना हो इसके लिए ये एक तरह से मतलब रबर रबर होता है रबर। देखिए दोस्तों आपको अभी दिख रहा होगा, एक मिनट मैंने बैठा, ये देखिए ये रबर लगा हुआ है अंदर, आपको देख सकते हैं प्लाई अलग है और इसके ऊपर ये रबर का कोट वहाँ लगा है। तो इससे क्या होता है एयर लीकेज नहीं होता बैक प्लेट से, ये अंदर का एयर पास ये देखिए दोस्तों ये जो है ये एयर पास छोड़ा गया है स्पीकर के लिए। ये स्पीकर पोर्शन है, स्पीकर यहाँ फिटिंग होता है टोटली, और इस सेंटर में एक प्लेट लगाया गया है ताकि देखिए सपोर्ट प्लेट है ये, इसके बाद यहाँ आपका स्पीकर फिट होगा। मैं भी आपको एक स्पीकर लगा कर दिखाता हूँ कैसे लगेगा ये। ये देखिए वायरिंग लेना ज़रा, एक स्पीकर मीडियम स्पीकर। तो दोस्तों इसके अंदर हम जो स्पीकर बजाते हैं देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी दो है, एक तो ये बीटा का है 5 इंच वाइस कॉल जो LF9 में लगता है, और इसके अंदर ऊपर रखना ज़रा, देखिए दोस्तों ये स्पीकर है BNC की तरफ से, इसका मॉडल नंबर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों ये क्लियर दिखेगा, एक मिनट में क्लियर करता हूँ अभी। देखिए SW152 इसका मॉडल नंबर है, 6 इंच वाइस कॉयल का स्पीकर है ये, 21 इंच में 2000 वैट पावर RMS पावर है इसका, ये स्पीकर लगता है इसमें लगा। देखिए दोस्तों ये कुछ इस तरह से फिट हो जाता है। दोस्तों दुकान बंद होने की वजह से एक छोटा सा देखिए हमने कुछ जुगाड़ लगकर ऐसे एक लाइट बना है, उसके उसमें आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ मैं, तो कुछ असुविधा होगा आपको, तो दोस्तों सॉरी। ये ना इस तरह से स्पीकर बैठेगा काफ़ी मतलब यहाँ जो सेंटर में इसका साइज़ है काफ़ी कम रखा गया है, ये डिज़ाइन एक्चुअली होता है इसी के लिए। इसमें 2-3 चेंजेस भी करना पड़ता है, अगर आपका 5.5 इंच वाइस कॉल का स्पीकर है, अगर कोई 5 इंच का तो इसमें चलेगा ही नहीं, 5.5 या 6 इंच, 6 इंच में भी 4 लेयर स्पीकर आते हैं आजकल, और 5.5 इंच में भी 4 लेयर है। ये ओरिजिनल साइज ओरिजिनल स्पीकर का डिज़ाइन है, हाँ दोस्तों ये हमारा LF9 कैबिनेट रेडी है, मेरे एक गुजरात का कस्टमर है उनके लिए, ये 4 कैबिनेट रेडी पड़े हुए हैं उनके बनकर, मगर ये लॉकडाउन होने की वजह से ना इस पर हम काम कर पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं उनके, ये रेडी इसको फोम नहीं लगाया हमने अभी तक। ये शायद आपने लास्ट वीडियो में मेरे देखा होगा इसी का वीडियो, यही कैबिनेट है मेरे। तो दोस्तों ये हो गया अपना 21 इंच का, हम आपको 5 इंच वाइस कॉल का एक स्पीकर दिखाएंगे जो हम LF9 में यूज़ करते हैं इस वाले में। ये रहा दोस्तों, ये है अपने Beta 1 की तरफ से B1, 1700 वैट इसका पैक पावर है, RMS पावर है, 8 ओम्स में 5 इंच वाइस कॉयल में, इन आउट वाइस कॉयल है दोस्तों इसका 5 इंच में। ये स्पीकर दोस्तों इस कैबिनेट में चलता है, ये स्पीकर इसमें भी 2 डिज़ाइन में जारी दिया गया है LF9, ये हॉर्न में चलेगा आपको, इसका डिज़ाइन अलग है, मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा, मैं आपको सिर्फ स्पीकर दिखा रहा हूँ। 5 इंच वाइस कॉयल में ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिर्फ 1700 वैट मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी कॉइल और अच्छा पेपर वेपर यूज़ करने के बाद, मतलब कॉइल अच्छी क्वालिटी का होगा, मैग्नेट फुल चार्ज होगा, Y35 मैग्नेट है ये, तो आपको सिर्फ इसमें 1700 वैट मिलेगा। दोस्तों ये देखिए इसका साइज़ जो मैं आप जो आपको दिखा रहा हूँ, ये रहा इसका साइज़, ये 25 इंच है, ये देखिए यहाँ से 0 to 25 इंच, ये साइड बेस साइड व्यूज है, इसका बैक साइड आएगा 25 इंच, और ये रहा अगर इसके हाइट की बात करेंगे तो अपन ये रहा ये एक से ये लास्ट में कितना है 34 इंच का ये आया डीप,
जो आपको फ्रंट मिलेगा, ये 34 इंच आया है। और हाँ ये बात आपको, इसकी अगर लंबाई जानेंगे अपन गिनेंगे तो ये रहा, इधर 0 लगाया हुआ है और उस साइड में देखना मेरा कितना आया, ये देखिए 52 इंच। तो इसका साइज़ है दोस्तों, अगर आप कैबिनेट बनाने वाले होंगे तो बना सकते हैं। ये कैबिनेट आपको 52 इंच, 25 इंच बाय 34 इंच का ये कैबिनेट लगेगा। तो चलिए दोस्तों,